30A भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है। यह धारा यह कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, अपने कॉलेज में नहीं दे सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकता, इसके लिए कॉलेज नहीं बना सकता, और जो सरकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं दी जा सकती। लेकिन एक धारा है 30, वो 30 धारा मुसलमानों को इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी मजहब की शिक्षा के लिए कॉलेज खोल सकते हैं, वो मदरसे चला सकते हैं, क्रिश्चियन अपने मदरसे चला सकते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं जहां वो अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या संविधान के निर्माताओं को इस बात का बोध नहीं था कि सिमी जी अगर आप अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संस्कार कहां से आएंगे, आप में फेथ कहां से आएगा, आप वेद क्या हैं, पुराण क्या है कैसे जानेंगे अगर आपसे कहा जाए आपको यह नहीं पढ़ना है। और भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके 5000 साल का जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भारत का कोई भी आप दौर देख लें, कभी भारत की सनातन संस्कृति के मानने वालों ने दुनिया के किसी देश पर हमला नहीं किया। यह शब्द बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। यह घूंघट इसलिए नहीं था कि हमारे यहां था, हमको गलत नैरेटिव दिया गया। यह भारत के अंदर जब मुगल शासक आए उनका एक ही एजेंडा था कि जितने गैर मुस्लिम औरतें हैं उनका रेप करके उनकी नस्लों को सुधारना है। यह बलात्कार शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था, यह तलाक शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था। हमारी परंपरा और संस्कृति में 7 फेरे जीवन भर के लिए जाते हैं। इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल, इट्स ए बिजनेस। आपने शादी मुझसे की और शादी करने के कुछ दिन के बाद आपको लगा कि मैं रहना नहीं चाहती तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो आर्टिकल 30A भारत के संविधान से हटना चाहिए। इस देश के 90 से 95 करोड़ हिंदुओं को उनका शास्त्र क्या कहता है, उनका वेद क्या कहता है, इसकी शिक्षा की इजाजत देनी चाहिए। और मंदिरों के ऊपर जो हिंदू पैसा चढ़ाते हैं यह भी एक लॉ है जो नहीं पता देश को, भारत के जितने भी मंदिर हैं उस पर जो पैसा चढ़ता है वो सरकार के खजाने में चला जाता है। और भारत के मजारों के ऊपर जो पैसा चढ़ता है, जो गुरुद्वारों में पैसा चढ़ता है, वो सारा का सारा पैसा उस धर्म के मानने वालों के पास चला जाता है। सिर्फ भारत के हिंदुओं का पैसा जो आप अयप्पा पे चढ़ाती हैं, जो महाकाल पे चढ़ाती हैं, जो वैष्णो देवी पे चढ़ाती हैं, वो पैसा सरकार ले लेती है। तो अगर भारत के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे से भारत के लोग, हिंदू लोग, सनातनी लोग अपने विश्वविद्यालय खोलना चाहें कि हम सनातन की संस्कृति के बारे में बताएंगे, पुराणों को पढ़ाएंगे, तो उसकी भी छूट नहीं है। ये संविधान में 2 धाराएं एंटी हिंदू हैं, इनको समाप्त होना चाहिए। और मैंने कल भी घोषणा की है कि अगले 2 साल में इसके खिलाफ भी मैं